नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अतिथि शिक्षकों ने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जुट जाने का संकल्प लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अतिथि शिक्षकों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का स्वागत किया। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में अतिथि शिक्षकों की मांगों को शामिल किया है। स्वागत से अभिभूत कमलनाथ ने इस अवसर पर अतिथि शिक्षकों का आह्वान किया कि अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए कांग्रेस की जीत के लिए मैदान में जुट जाएं। समय समय पर पिछले कुछ महीनों में आपके प्रतिनिधि मंडल मिले रहते और हमने कहा था, आपको आश्वासन दिया था कि हम अपने घोषणा पत्र में वचन पत्र में इसे लाएंगे, क्योंकि आप कितने साल अन्याय की शिकार बन गए हैं। ये प्रश्न हमारे सामने न्याय और अन्याय का था और यही हमारी सोच है, यही कांग्रेस की सोच है कि अन्याय पे हम हमेशा विरोधी रहे। एक बिंदु अपने वचन पत्र का हम इसे पूरा करके ही रहेंगे सीमित समय में। अतिथि शिक्षक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 15 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन सरकार ने कभी उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। 15 वर्षों से जो बीजेपी सरकार ने अतिथि शिक्षकों के साथ शोषण किया है, बड़े बड़े मंचों से जो वादे किए हैं नियमितीकरण के, जो कैबिनेट में प्रस्ताव तक पास कर दिए, ऐसी झूठी सरकार से मध्य प्रदेश के लाखों अतिथि शिक्षक आहत हुए। आज मध्य प्रदेश के 51 जिला अध्यक्षों के साथ हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने आए, घर घर जाएंगे, लोगों तक जाएंगे, परिवारों तक जाएंगे और हमारे 50 लाख वोटर हैं पूरे मध्य प्रदेश में, इस बीजेपी की अहंकारी सत्ता को चूर चूर कर कांग्रेस को सत्ता में स्थापित करवाएंगे। उन्होंने हमें घोषणा पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश में पहले कैबिनेट में कांग्रेस पार्टी हमारे प्रस्ताव को रखेगी और हमें नियमित करेगी और बीजेपी सरकार को मुकार फेंकने का काम करेंगे। उन्होंने प्रत्येक परिवार के साथ और प्रत्येक अतिथि के साथ विश्वासघात किया है। दिग्विजय सिंह ने अतिथि शिक्षकों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद तत्परता से अतिथि शिक्षकों की मांगों का निराकरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज आज भोपाल। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें न्यूज आज के साथ।